बाबा रामदेव की विशाल कलश यात्रा के साथ में बाबा रामदेव की कथा का शुभारंभ फेस टू भवानी धाम बोनीफाई स्कूल के सामने शुभ आरंभ हुआ। बीकम सिंह बघेल ने बताया कि बाबा रामदेव कथा सभी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति के साथ में आकर सुने एवं धर्म का लाभ ले। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। अयोध्या चौराहे पर वीरेंद्र त्रिपाठी अमित कौर द्वारा पुष्प वर्षा कर एवं पानी के पाउच बांटकर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद दिनेश यादव, लक्ष्मी ठाकुर, पूर्व मंत्री अध्यक्ष शैतान सहपाल, प्रकाश सेन आदि कई भक्तगण मौजूद थे। कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओं अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय गुरुदेव बाबा रामदेव जी की जो महिमा है उससे हम सब परिचित है, लेकिन आपके श्रीमुख से हमें फिर दोबारा बाबा रामदेव की महिमा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। किस प्रकार आप बाबा रामदेव थे से? ये भगवान रामदेव जी श्री द्वारकाधीश जी के अंश अवतार हैं, जो राजा अजमल जी के घर मरुधरा की धरती पर अवतरित हुए थे। भगवान रामदेव जी की जो कथा कल से जो है 7 दिवसीय यहाँ पर भवानी धाम फेज टू में प्रतिदिन 1 बजे से शाम 7 बजे तक कथा का वाचन होगा। वर्तमान में जो संकट चल रहा है उसके लिए आपका क्या है? वर्तमान में संकट चल रहा है उसके लिए तो ये है कि भगवान की कृपा हम सब पर रहे, किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और बाकी जो है वैक्सीन लगी रही है, लोगों से यही प्रार्थना है सावधानी रखें, मास्क लगा कर रखें, दूरियां बनाएं। रामदेव जी कृपा से सब अच्छा होगा।
सर ऐसा माना जाता है करोड़ों संख्या में पद यात्रा करके पैदल जो रामजोरा जाते हैं बाबा रामदेव उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर लेते हैं। मनोकामना पूरी होती है भगवान के दरबार से, रामदेव जी के दरबार में रामदेवरा रुनीचा लाखों की संख्या में लोग ध्वजा लेकर जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, अपने अपने साधनों से भी जाते हैं, सभी प्रकार के मनोरथ भगवान रामदेव जी के पास पूरे होते हैं। तो फिर गुरुदेव जाट समाज के आराध्य होता रूप में पूजे जाते हैं। जाट समाज सक्षम और प्रभावशाली समाज बाबा रामदेव की वजह से ही है। ऐसा नहीं है, भगवान तो सभी के हैं, भगवान की कृपा तो सभी भक्तों के, जो उनको सच्चे भाव से सच्चे हृदय से जो मान लेता है विश्वास के साथ उनकी जो पूजन करता है भगवान उन पर कृपा करते हैं। निगम सिंह बगल बगल सब बाबा रामदेव जी की कथा है। बाबा रामदेव जी सब पूजनीय देवता के रूप में आपके द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है कब से कब चालू होता है, क्या समय उसका पूरा डिटेल? आज हमने भगवान रामदेव जी की कथा के लिए कलश यात्रा आज प्रारंभ की है। कल 1 बजे से हम गुरु जी के मुख से भगवान रामदेव जी की कथा का वाचन सुनेंगे। 1 बजे से 5 बजे तक गुरु जी भगवान रामदेव जी की कथा का हमें वाचन सुनाएंगे सभी भक्तों श्रद्धालुओं को। और 5 बजे से गुरु जी का भगवान रामदेव जी का दरबार लगेगा। गुरु जी सबके दुख उनको दूर करेंगे। तो गुरु जी के आशीर्वाद से लाखों लाख श्रद्धालु ठीक हुए। तो मैं ऐसे ही आशा और विश्वास के साथ, मैं कोरोना पीड़ित हुआ था तो गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि आप कल ठीक हो जाओगे। पिछली 5 तारीख को मैं बहुत सीरियस था तो गुरु जी ने मुझे सपने में आए थे सुबह 6 बजे करीब। गुरु जी ने कहा था हमारा आशीर्वाद तुम कल ठीक हो जाओगे। तो मैं 6 तारीख को ठीक हुआ था। फिर मैं गुरु जी से 14-15 तारीख नॉर्मल गुरु जी आए थे उनसे मिला था। मैंने गुरु जी ने देख कर मुझसे कही तुम बहुत बीमार थे, तुमने हमको नहीं बताया, लेकिन हमको पता चल गया था। तो मैं गुरु जी को भगवान के रूप में मानता हूँ। विगत कितने वर्षों से आप ये कथा का वाचन करवा रहे हैं? मैं कथा तो एक बार मैंने भानपुर तो सुनी थी, और ये कथा हम पहली बार यहाँ पर करवा रहे हैं। आगामी भी तैयारी है, आगामी यदि बाबा साहब का आशीर्वाद बने रहेगा हम बिल्कुल जरूर करेंगे। सर क्या पता है यहाँ का भागवत कथा? हमारे नाम फेस्टू अयोध्या भाई बाबू भोपाल है। और गुरु जी का सभी को आशीर्वाद मिलता है। गुरु जी को जिसको आशीर्वाद देते हैं श्रद्धालुओं को, सब लोग खुशी खुशी घर जाते हैं। और गुरु जी के आशीर्वाद से कई बीमारी है और कई संकट लोगों से दूर हुए। तो गुरु जी का आशीर्वाद मेरे पे ऐसे सदा बने रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ।